नमस्कार, दैनिक सवेरा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं पूनम। भारत के 13वें पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय आई के गुजराल के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर दैनिक सवेरा परिवार की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि। आई के गुजराल भारतीय राजनीति के एक दिग्गज नेता थे। उनका जन्म 4 दिसंबर 1919 झेलम, जो अब पाकिस्तान में है, हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा डीएवी कॉलेज, हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स और फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर यूनिवर्सिटी से पूरी की। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान वे राजनीति के क्षेत्र में आए थे। उन्होंने इस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था और 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में वे एक बार जेल भी गए। 1 अप्रैल 1997 में भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में विभिन्न पदों पर काम किया। वे संचार मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री, विदेश मंत्री और आवास मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे। राजनीति में आने से पहले उन्होंने कुछ समय तक बीबीसी की हिंदी सेवा में एक पत्रकार के रूप में भी काम किया था। राजनीति के अलावा वह एक समाजवादी लेखक और विभिन्न खेलों के प्रशंसक भी थे। वह उर्दू के सराहनीय शायर और विदेश नीति के विशेषज्ञ भी थे और इस विषय पर कई पुस्तकें भी उन्होंने लिखी। इंदिरा गांधी की सरकार में मॉस्को में राजदूत के तौर पर गुजराल ने 1980 में सोवियत संघ के द्वारा अफगानिस्तान में हस्तक्षेप का विरोध किया। उस समय भारतीय विदेश नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया था। उस घटना के बाद ही आगे चलकर भारत ने सोवियत संघ द्वारा हंगरी और चेकोस्लोवाकिया में राजनीतिक हस्तक्षेप का विरोध किया। हिंदी, उर्दू और पंजाबी भाषा में निपुण होने के अलावा वे कई अन्य भाषाओं के जानकार भी थे और शेर व शायरी में काफी दिलचस्पी रखते थे। गुजराल की पत्नी शीला गुजराल का निधन 11 जुलाई 2011 को हुआ। उनके दो बेटों में से एक नरेश गुजराल राज्यसभा सदस्य हैं और दूसरे बेटे विशाल हैं। गुजराल के छोटे भाई सतीश गुजराल एक विख्यात चित्रकार तथा वास्तुकार भी है। गुजराल लंबे समय से डायलिसिस पर चल रहे थे। 19 नवंबर 2012 को छाती में संक्रमण के बाद उन्हें हरियाणा स्थित गुड़गांव के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी हालत गिरती चली गई। 27 नवंबर 2012 को अचेत अवस्था में चले गए। काफी कोशिशों के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। आखिरकार 30 नवंबर 2012 को उनकी आत्मा ने उनका शरीर छोड़ दिया। आखिर में दैनिक सवेरा की तरफ से एक बार फिर से स्वर्गीय प्रधानमंत्री आई के गुजराल को भावभीनी श्रद्धांजलि। नमस्कार।